हमें किसी भी चीज के लिए सही इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। शैतान के बारे में सही गलत सब सामने आ जाता है। चलो चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। क्यों माँ, हमें कहाँ जाना है? बिरयानी अंकल के घर जाना है, उनकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है वहाँ। हम किसी गोद भराई के फंक्शन में नहीं जा रहे। क्यों मम्मी? हमें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी? अरे अब तुम लोग जल्दी चलो। आज घर पर मेरे और चिराग के सिवाय कोई नहीं होगा, मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। शैतान और मेरी ममता की जंग है, ये मेरा पहला कदम होगा। मैं कैसे भी करके चिराग को गुस्सा दिलाऊंगी और फिर देखूंगी वो अपनी माँ पर वार करेगा या मेरी ममता शैतानी ताकत पर प्रहार। आज मैं चिराग को गुस्सा दिलवाकर उसे आजमाऊंगी। हे अंबे माँ, सब संभाल लेना। चिराग, पार्टी में नहीं जाएंगे। मम्मी मुझे जाना है। बस बहुत हो गया, बहुत बिजी हो गया तुम। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे, रोज कोई नई मुसीबत खड़े कर देते हो। जान तंग करके रखी है तुमने मेरी, अब ऐसी सजा दूंगी ना तुम्हें कि जिद करना भूल जाओगे तुम। रुको यहाँ पे, हिलना नहीं आते तुम। अब तुम्हें कौन खोलता है? आज के बाद नो जिद, नो बर्थडे पार्टी और नो स्कूल जाना। अगर स्कूल जाने की बात की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे बांध क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? मम्मी प्लीज खोलो मुझे, मुझे ये पसंद नहीं है। चिराग चुप रहो, खोल दो ना मम्मी प्लीज। मैंने कहा ना एक शब्द नहीं बोलना। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करोगे तुम। आज के बाद तुम यही रहोगे घर पे और सारी मेरी बातें सुनोगे। खोलो, खोलो मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना मम्मी, खोलो खोलो मम्मी मुझे, खोलो। तुम्हारे इस रूप से, तुम्हारे गुस्से से मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है। तुम शैतान नहीं, नौटंकी हो नौटंकी। मैं भी देखती हूँ क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा। तुम्हारे हाथ तो कांप रहे हैं, देखो तुम्हें पसीना आ रहा है।
ओहो, लगता है तुम मुझसे डर गए। डर गए ना तुम मुझसे? अब तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे तुम? बताओ, जवाब दो, क्या करोगे? जवाब दो। तुम मुझे मारोगे? अपनी मां को मारोगे? जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे मारोगे? हाँ, हाँ चिरा, मारोगे मुझे? मारो मुझे। मारो अपनी मां को। चाकू क्यों फेंक दिया? आओ मुझे मारो। तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम्हें लग रहा था कि मैं तुमसे डरूंगी, लेकिन लगता है कि तुम मुझसे डर गए। आओ, डर गए ना मुझसे? हाँ, मैं आपको नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मैं आपको मम्मी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। चिरा, चिराग, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, मुझ पर वार कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू फेंक दी, तोड़ फोड़ कर दी, लेकिन मुझ पर एक खरोंच तक नहीं आने दी। क्यों चिराग? क्योंकि आप मेरी मम्मी हो, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? Thank you.
अंबे माँ, आज आपने एक माँ की ममता का मान रख लिया। मुझ पर, मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझको इतनी शक्ति देना कि मैं अपने बेटे को अच्छा इंसान बना सकूं। बस एक और मदद करना माँ, मेरे बेटे की जो सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है उसे कभी परिवार के किसी भी सदस्य के सामने मत आने देना। ये अचानक किसे आ गए? ये सब देखकर सब सवाल तो करेंगे, पर मैं उन सवालों का क्या जवाब दूंगी? चिराग, ये कैसे हुआ? आप क्या की हालत देख के तो ऐसा लगता है जैसे आप अर्थक्वेक आया। किसने किया ये सब विद्या? विद्या बहू, तुम दोनों तो बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे ना, तो घर में क्या कर रहे हो? विद्या, बा कुछ पूछ रही है। चिराग, बेटा तुम्हारी माँ जवाब नहीं दे रही है, तुम्हें बताओ यहाँ क्या हुआ था, ये सब किसने किया? सॉरी बा, ये सब मैंने किया है। आपने ये सब किया, लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी मुझे बाहर जाता जी के साथ भी नहीं जाने दे रही थी, और मम्मी मुझे बर्थडे पार्टी में भी नहीं लेके गई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। विद्या, तुमने अचानक अपना प्लान क्यों बदला? विद्या, विद्या, ये विद्या भाभी को क्या हो गया है? हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा हंसने वाली विद्या भाभी का ये रूप तो पहली बार देखा। You know what? I've also been noticing. कल से ही चिराग से चिड़ी हुई है, और अब आज ये सब? मुझे लगता है हमको ज़्यादा ही सोच रहा है। हो जाता है कभी कभी ऐसे, और बच्चों की जिद बर्दाश्त नहीं होती है। माँ है वो चिराग की, अगर डांट भी दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू, मगर किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ बेटा, चिराग का गुस्सा नाराजगी मैं दूर कर दूंगी। चिराग बेटा, मम्मी तुम्हें बर्थडे पार्टी में लेकर नहीं गई, इसलिए गुस्सा आया ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। हाँ, नए नए खिलौने दिलवाऊंगी। सच में बा, अभी चले? अरे ना बेटा, अभी नहीं, कल चलेंगे। अभी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। कहानी? चलो। देवांग बेटा, चिराग का मूड तो उसकी दादी ठीक कर देगी, तुम जाके विद्या से बात करो, मगर शांति से।
बात क्या है विद्या, तुमने चिराग से खुद प्रॉमिस किया था कि तुम उसे बर्थडे पार्टी पर लेकर जाओगी और फिर अचानक प्लान कैंसिल कर दिया। वो बेचारा ना हमारे साथ जा सका ना तुम उसे बर्थडे पार्टी पर लेकर गई, तो ऑब्वियसली बात है उसको गुस्सा आना ही था। बब्बू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया हमारे बेटे की भलाई के लिए किया, सिर्फ उसकी भलाई के लिए नहीं, हम सबके भलाई के लिए किया। अब तुम चुप क्यों? चिराग को गुस्सा क्यों दिलाया, इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब तो है, आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, पर वो जवाब आपको बहुत परेशान कर देगा। आई एम सॉरी देवा, मैं जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ छुपा रही हूँ। छुपा रही हो ना? छुपाने वाली क्या बात है इसमें? अगर छुपाने वाली कोई बात नहीं है तो तुमने तुम जानती हो ना बब्बू कि तुम और चिराग मेरी जान, तुम दोनों परेशान होते हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूं, बट क्वाइट फ्रैंकली इस वक्त मैं परेशान कम कंफ्यूज ज्यादा हूं। तुम चिराग के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, किया क्या है उस बेचारे ने? विद्या ये सवाल सिर्फ मेरे ही मन में नहीं आ रहा है, घर में हर कोई यही सोच रहा है, और जवाब में क्या मिल रहा है, सिर्फ तुम्हारी ये चुप्पी। देवांग, मेरी चुप्पी में ही सारे जवाब छुपे। हम जिन्हें प्यार करते उन्हें डांटने का हक भी तो होता है ना। कभी कभी माँ की डांट उस कड़वी दवाई की तरह होती है जो अच्छी नहीं लगती लेकिन असर जरूर कर जाती है। आओ वो, आओ। अरे विद्या वो दूध लेकर आ गई, मैं खुद आकर ले जाती। आओ बैठो। मैं आपसे और बापूजी से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप दोनों को लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे ना ना विद्या बहू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम माँ हो चिराग की। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चिराग की कोई भूल हुई है तो उसे डांटने का तुम्हारा हक बनता है। माँ की डांट में ही माँ का प्यार छुपा होता है। जब कुछ लोगों ने अपने मन में चिराग के लिए गलतफहमी पाल ली थी तब सिर्फ तुमने दुनिया समाज परिवार की परवाह किए बिना चिराग का साथ दिया था। हाँ विद्या वो, जब मेरी ममता रास्ता भटक गई थी तब तुम्हारी ममता ने मेरी आंखें खोली। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं क्योंकि हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमारे कुलदीपक की परवरिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। तुम हमसे माफी मांगने आई थी ना, वो तो हम तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें हम दोनों का आशीर्वाद मिलेगा।
मैं भी देखती हूँ अब तुम्हें कौन खोलता है। आज के बाद नो जीत नो बर्थडे पार्टी और नो स्कूल जाना। सॉरी बेटा, तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए अपने जिगर के टुकड़े के साथ वो सब करते हुए मन कितना दुखता है, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। पर मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है, उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती है। और इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। चिराग, ये संघर्ष सिर्फ हम दोनों का है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मैं किसी को नहीं बता सकती, तुम्हारे पापा को भी नहीं। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे?